काका। अरे तुम कब आ गई? खुश रहो खुश रहो। वजह से मिलने आई हो? जी वो उस दिन के बाद से कोई खबर नहीं मिली, बड़ी चिंता हो रही थी। तुम्हारा चिंता वाजिब है, मगर हम तुमको इतना बताना चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं विजय पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जाओ विजय अपना कमरा में। लगता है भाई बहन के बीच सुलह हो गई है। अरे हम तो एकदम पहचान ही नहीं पाए कि तुम। कैसे पहचानोगे? मेघा से सुलह जो हो गई है, अब तो तुम्हारे लिए अपना घर अपना परिवार ही सब कुछ है। हम क्या हैं? एक समय था जब तुम हमारे कदमों की आहट तक सुन लेते थे, और आज हम तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा स्पर्श तक महसूस नहीं कर पाए तुम। अच्छा है जो लोग दूर थे वो अब करीब आने लगे हैं तुम्हारे, और हम पास होकर भी दूर होने लगे। अरे पगली, तुम सोच भी कैसे ली कि हम एक पल के लिए भी तुमको भूल पाएंगे। दरवाजे पर तुम्हारा कदम पड़ते हमको एहसास हो गया था कि तुम हो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे तुमसे, एकदम मेघा का नाम कह लेते। तुम तो जानती हो हमसे बात ही नहीं करती। अच्छा तो ये मजाक था? अगर ये मजाक था तो कहाँ थे इतने दिनों तक, ना फोन किया ना मिलने आए, क्या समझे हम इसे? तुम तो जानती हो हमको इलेक्शन का कितना टेंशन है। अगर निशा इलेक्शन हार गई तो हम घर के लोगों का विश्वास खो देंगे। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि टूटे रिश्तों को जोड़ पाए, बता पाए सबको कि हम ही इस घर का बड़का लड़का है। इस काम में अगर तुम ही हमारी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम तो एकदम सीरियस हो। अरे तो तुम मजाक कर रही थी का? अरे मैडम इतना मजाक मत किया करो हमसे, क्या है कि हमारा दिल जो है बहुत नाजुक है। अच्छा जी, बाबा से मिलेगा? कहाँ है? हॉल में। और लड़की कैसे घर में आना जाना ठीक बात नहीं थी बाबा। ठीक तो नहीं है, इसलिए आपसे कुछ बात करना चाहते थे। भाभी जया लड़की तो अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, तो क्यों ना दोनों का जल्दी से जल्दी ब्याह करा दिया जाए। जग हंसाई से भी बच जाएंगे या सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। जया घर में आ जाएगी तो सब चिंता ही खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ सोचिए ले बानी, तो हमरा से पूछे की जरूरत का बा? अरे आप कैसा बात कर रही हैं भाभी? आप मलकनी हैं घर की, आपके परमिशन के बिना कुछ किया जा सकता है कहीं? हाँ आज तक जो ये घर में भइल बा का हमरा से पूछ के भइल बा? कौन बात के बारे में बात कर रही हैं? व्यापारी संघ के अध्यक्ष के पिता के रोवा लोग काहे उठा ले ली? भाभी लगता है आपका विश्वास उठ गया हमारे ऊपर से। जब तक भैया जिंदा थे तो आपको ही सबसे दूर रखे, पर हमारा भी कोशिश था कि जो जैसा है वैसा ही बना रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम जो किए हैं गलत किए हैं तो आप जैसा कहिएगा वैसा होगा। भाभी जब कोई सहारा नहीं था तब आसरा मिला है हमको ये घर में, कोई हमको एहसास नहीं होने दिया कि हमें घर का हिस्सा नहीं है, सब विश्वास किया हमारे ऊपर, और आज जब ये विश्वास ही उठ गया तो हमारा तो जीना ही व्यर्थ है।
गई। ना जाने अपना रो में कहाँ कर देनी। पाप मत चढ़ाइए भाभी, आप बड़ी हैं। अरे पाप की भागीदारी तो हम हो गई नहीं। ना जाने का हो गई बा हमार बुद्धि के। जब से दीदी जी और रितेश बुआ घर छोड़ के गई बाड़न, हमार तो बुद्धि अब पगला गई बा। अब तो हमरा अपने ऊपर विश्वास नहीं खे बा। भाभी आप जरा भी चिंता मत कीजिए, जब तक बाबा जिंदा है ना तब खुद कुछ गलत करेगा ना कुछ गलत होने देगा। अब बस थोड़ा भरोसा कीजिए हमारे ऊपर। ये घर पर आने वाले कोई भी तूफान को पहले बाबा से टकराना होगा, बस भरोसा रखिएगा हमारे ऊपर। और आपके जैसा घनघोर बिजी आदमी बिना किसी काम से तो हमारे पास मिलने नहीं आएगा ना। तो बोलिए बाबूलाल जी, क्या काम? लारी जी, दरअसल हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ तो आप लोग के अलावा हम ही हैं। इसका मतलब आप हमको ही बारी कर रहे हैं का? ये तो बेइज्जती है। बिंदा, ये क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा का? जाओ यहाँ से। I'm sorry, sorry। ना ना बतियाइए बतियाइए। नेताजी, आपके कारण हमें अपना सग्गा भाई को बाहर भेजना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ खास बात बतियाने आए हैं यहाँ। लारी जी, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करें उनका सहयोग आपको मिलता रहे। एक मिनट बाबूलाल जी, ये कौन सा सतीश कुमार के बारे में बता रहे हैं आप? वो है ना जो मुख्यमंत्री हुआ करता था। हम भी जानते हैं कि अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए और अब पावर में भी नहीं है। लेकिन हम अब भी पावर में हैं। जानते हैं कैसे? कैसे? बंदूक के जोर पे अपना शासन चलाते हैं, वोट के दम पर नहीं। लेकिन अब तो आपको भी वोट बटोरने का जरूरत पड़ गया दुलारी जी। तब आपके सतीश कुमार आके वोट इकट्ठा करेंगे हमारे लिए? नहीं नहीं, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवा देती हैं तो विजयकांत खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा, तब आप इस महाराजगंज की अकेली रानी बनकर जिएंगी। अच्छा, तू हमको रानी बनाना चाहते हैं? मेरी बात तो छोड़ भी दें तो आपको अपने पति का खून का बदला भी तो लेना है। नेता जी, आप हमको बच्ची समझे का जो इस तरह से समझा रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि बाबा कोई गली का आवारा कुत्ता है जो उसकी देह पे डंडा मार मार के खत्म कर देंगे उसको? सतीश कुमार जी, बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवाना चाहती हैं तो आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है। बाबूलाल जी, हम सिर्फ बाबा को नहीं, बाबा विजयकांत व दोनों को खत्म करना चाहते हैं अपना बलबूता पर। इसके लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है। सतीश कुमार जी बस आपकी मदद करना चाहते हैं और ठीक है, अगर हमरे हाँ कहने से उनको खुशी मिलता है तो कह दीजिएगा जाके, जब जरूरत पड़ेगा देख लेंगे। हमें आपकी तरफ से खबर मिलने का इंतजार है। अच्छा पढ़ा। अरे बताइए, इतना टाइम हो गया। हम जानते थे हुजूर, दो ही दिन भी चैन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसमें हुजूर का भी कसूर है, हमरी बेटी का स्वभाव ही ऐसा है। कैसी है हमरी सीमा रानी? हुजूर का अमानत है, एकदम सही सलामत है। जब से आप बोल कर गए हैं तब से मच्छर मक्खियों को भी नहीं भिनभिनाने दिया उसके आसपास। रूई जैसा देह है उसका, हवा बेहर न छू जाए इसके लिए सारी खिड़कियों तक को बंद कर रखा है हमने। क्या बताएं, अब बर्दाश्त नहीं होता है चमकी भाई, हमारी जान को हमारे सामने तो लेके आओ, तनी जी भर के देख तो ले उसको। काहे नहीं हुजूर, आपका मानत है, चाहे तो दिन रात देखते रहिए। बाकी मुंह दिखाई तो लेकर आए हैं ना? भरोसा नहीं हम पर का चमकी भाई? हाँ देंगे देंगे, मुंह दिखाई भी देंगे।
पहले अपने चांद को जी भर के देख तो ले एक बार। माफी चाहते हैं, मुंह दिखाई लिए बिना हमारी बेटी आपके सामने नहीं आई, लेकिन ये हमारा गारंटी है कि 6 महीने तक हमारी बेटी आपके पास रहेगी। हाँ, और 6 महीने तक आप पलंग से नहीं उठिएगा। हाय 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 हाय, इतना तरसाती काय हो चमकी भाई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। देखो, हम माला माल कर देंगे तुम्हें, भाग थोड़े जाएंगे यहाँ से, विश्वास रखो हम पर। कोठा पर विश्वास का सौदा नहीं चलता है रज्जन बाबू, दाम पहले माल बाद में, यह यहाँ का उसूल है। देखो चमकी भाई, प्रणाम, अगली बार आइएगा तो पूरा दाम लेकर आइएगा। कहे ना कि हमारी बेटी के लिए बहुत सारे लोग नोटों की गड्डी लेकर बैठे हैं। प्रणाम। भैया जी चलिए, नहीं तो कोठा पिज्जत होता जाए। चुप चुप सारा, रुपया कमी है क्या हमारे पास? चलिए कमी है कोनो? चलिए, अरे इसके मुंह पर रुपया देके मारेंगे हम। रजन लाल नाम है हमारा, रजन लाल। तू थोड़ी समझती है का अपनी अम्मा दर जात का रजन लाल से पैसा का बात करती है, हमारा बेइज्जती करती है साली हमारा। छोड़िए ना भैया जी, पतुरिया जात की बात का कहां आप बुरा मान रहे हैं? उस साली की क्या औकात कि आपको बेइज्जत करे? सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हमारा इतना बेइज्जती हुआ है। साले बोला था पैसा का इंतजाम जल्दी से जल्दी कर, तुम किया नहीं, अब सारा तुमको मार के हम दाम वसूलेंगे। अरे भैया, हमारे जिंदा रहे पे जब 50,000 रुपया दाम नहीं लगा तो मरने पे कौन देगा आपको? सारा जब तुमने जी लिया कोई फायदे नहीं है तो मरना मदर जात मर तो सारा। भैया जी, भैया जी एक मिनट, एक चीज दिखा ली आप। क्या दिखाना है सारा? दिखा क्या दिखाएं भैया जी? क्या है रे, कहाँ का चाबी है? इस सब घर के डुप्लीकेट चाबी है, जौन ताला चाहे तौन खोल सकते। तुम्हारा मतलब बहूजी की अलमारी का चाबी भी? भैया जी अब तो आप बस सीमा कुमारी का सपना देखिए, कुबेर का खजाना हमारे हाथ में लग चुका है, बस अब मौके की देर है। चिरकुट साला, पहले क्या नहीं बताया रे? अरे मेरे राजा, ये क्या है ना, रजनलाल का चेला बनने वाला काम। शाबाश शाबाश। नहीं नहीं लड़का सबको वहां रहे। ठीक, प्रणाम भैया, बाद में फोन करते हैं। क्या बात है जयसवाल, अब क्या तकलीफ है तुमको? हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा, और क्या तकलीफ हो सकती है हमको? अरे हम तो बहुत समझा, एक दिन का बात है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, बेटा अपने आप घर आ जाएगा। बाबा बुधिया का मुंह हमसे देखा नहीं था, रो रो कर उसकी आंखें फूल गई। हमरा वोट निशा जी को ही जाएगा, हम पर भरोसा रखिए। अरे भरोसा तो तुमको भी रखना चाहिए हम पर, हम बोल दिए तो बोल दिए, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तुम्हारा बेटा हमारे पास ही रहेगा सही सलामत। या व्यापारी संघ के पास कितना काला पैसा होगा? कौनो गिनती है क्या? आज तक व्यापारी संघ को बब्बन लाल का सपोर्ट था, सब चोर है साला, पूरा पैसा बचा जाता है, ऊपर से काला बाजारी, अनर्थ मचा रखा है। क्या सोचने लग गए? अब इन सब का काला पैसा हमारे काम आएगा,
शुरुआत होगा जयसवाल से। जयसवाल को उसका बेटा मिलेगा जरूर, लेकिन उसको इसका कीमत चुकाना होगा। आप चिंता मत कीजिए काका, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। ये गरीब जनता का पैसा है, उसी के काम आएगा। माँ कहा करती थी, ताकत से धन कमाया जा सकता है, जस नहीं। हम बल से धन कमाएंगे और धन से जस। विजय, हम लोग गरीब लोग का मदद तो ऐसे भी करते रहे हैं, हमारे हिसाब से इसके लिए कोई गलत रास्ता अपनाने का कोई जरूरत नहीं। नहीं काका, हम लोग बस उसी गरीब सबका मदद करते हैं जो हम लोग के पास आता है। इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग है जिसको देखने वाला कोई नहीं। काका, भूखा गरीबी ने उस सबको इतना तोड़ दिया है कि वो सब अपना जवान बेटी को बेचने पर मजबूर हो जाता है। पढ़ने खेलने का उम्र में बच्चा सबका पेट का भूख मिटाने के लिए उससे होटल में जूठा साफ करवाता है। काका, इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग है जिसको एक पक्का रोटी तक नसीब नहीं है। बहुत ऐसा अमीर रईस ज्यादा सब है जो रोज साला नोटे के गड्डी पर सोता है। वैसे सेठ साहूकार सबसे पैसा लेके गरीब गुरबा को दो वक्त का रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और सर छुपाने के लिए मड़ैया देना चाहते हैं। बात तो बढ़िया है, काका, इससे हमको ही फायदा होगा कि वो गरीब एक दिन हमारा ताकत बनेगा, अब वक्त जरूरत पड़ने पर ढाल बनकर हमारी रक्षा भी करेगा। तुम ये काहे भूल रहे हो कि इस देश में कानून नाम का भी कोई चीज है, और कानून तुमको ऐसे अपना मनमानी नहीं करने देगा। अरे काका, कौन कानून का बात कर रहे हैं? रोज यहाँ बैठे बैठे कितना कानून तोड़ते हैं। काका, हम ही नहीं कह रहे हैं कि आपका सोचना गलत है, आपका सोच का तो हम बहुत इज्जत करते हैं। बाकी काका, इस मामले में हमको आपका मदद चाहिए। विजय, हम समझ रहे हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बाकी ये बारे में हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग को कल के वोटिंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग की तैयारी में कोई कोर कसर ना रह जाए। निशा को जिताना है ना,